हाय दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज सुबह से इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि पूछिए मत। फिर अचानक से 2:30 के बजे में अचानक से मौसम बदल गया, एकदम से काले घनघोर बादल जो है आसमान में छा गए। अभी मैं आप लोगों को उसका थोड़ा सा तस्वीर दिखाती हूँ बादलों का। एकदम से काले घने बादल, अंधेरा छा गया एकदम से। तो मैंने फटोफट इसका वीडियो क्लिप बनाया, और क्योंकि जैसे ही बादल आए और उसी के साथ आंधी तूफान भी आना शुरू हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कैसे कपड़े जो हैं हिल रहे थे। तो मैं फिर थोड़ा सा वीडियो बना करके बालकनी में बैठ गई और सोचा इस हवा का थोड़ा सा आनंद लिया जाए। बहुत अच्छा लग रहा था। सो दोस्तों, इसी के बीच में मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आज आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताना है। क्या खाना बताओ भाई, मैं क्या बना कि नहीं बना? हम तो बनाते नहीं हैं, लंच तो बोलेगा तो बना देंगे। तो दोस्तों, यहाँ मेरा बेटा बोल रहा था कि कुछ खाने को दो, बारिश हो रही है और थोड़ी ही देर में बारिश आ गई। आप देख सकते हैं थोड़ा बालकनी में बारिश भी इस साइड की थी कि सीधा उसकी डायरेक्शन हमारे जैसे बालकनी जो बेडरूम के साइड में दरवाज़ा जैसे खुलता है उस साइड में थी। तो इसका जो पानी है एकदम उसकी जो फुहार है बारिश की वो अंदर तक आ रही थी। तो फिर मैं अंदर आ गई, दरवाज़ा बंद कर दिया, थोड़ा सा वीडियो क्लिप मैंने लिया और देखते ही देखते बालकनी जो थी वो पानी से एकदम से तर हो गई। बहुत ज़्यादा बारिश हुई और इसके बाद फिर मैंने सोचा चलो बच्चों को पकोड़े बना करके देती हूँ। जैसे ही मैं ये वीडियो क्लिप बना रही थी तो इतने में मेरा फ़ोन भी सारा गीला हो गया था पानी से। दोस्तों, मैं आ गई हूँ अभी किचन में। बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, बारिश हो रही है, तूफान है, तो मैं बाहर बैठी थी तो फिर मेरा मन किया कि पकोड़े बनाती हूँ। तो ऐसे मौसम में पकोड़े तो बनते हैं, और वैसे भी सावन का महीना भी 2 दिन पहले ही ख़त्म हुआ है तो पकोड़े तो बनने चाहिए। तो मैं अभी प्याज और आलू के ना मिक्स पकोड़े बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे भी थोड़ा सा जिद तो कर रहे हैं कि कुछ खाने को दो, कुछ खाने को दो। तो सो दोस्तों, पकोड़े आज मैं पहली बार ही इसमें बनाऊंगी और मैंने इसका कोई रेसिपी नहीं डाला है। तो आज मैं थोड़ा सा पकोड़े का रेसिपी भी इसमें ऐड करूंगी। सो आप मेरे साथ बने रहना, अभी मैं बनाती हूँ पकोड़े। मम्मा पकोड़े बनाने लगे। और हमारे यहाँ लाइट भी चली गई थी तो यहाँ मैंने, ये मेरे पास है कड़ी पत्ता और इसको भी मैं आप ऐसे तोड़ करके इसमें डाल दूंगी। कड़ी पत्ता वैसे भी खाने के लिए जो है बहुत अच्छा होता है। और अब मैं इसमें ऐड करती हूँ नमक, थोड़ी सी अजवाइन, रेड चिल्ली पाउडर और पानी को डाल करके इसको मैं तैयार कर रही हूँ मिक्सचर को। तो यहाँ दोस्तों, मैंने तेल पहले ही रख दिया था। तो इसके मैं जो पकोड़े बनाऊँगी तो कुछ बच्चों को खाने को दे दूँगी पहले, और कुछ मैं बना करके रख लूँगी। और फिर उसकी मैं ना दही का कड़ी बनाने का सोच रही हूँ कि शाम को कड़ी बना करके उसके साथ राइस वगैरह बना लेंगे तो वो अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी एक बार तेल तो गरम किया ही है तो बार बार क्या कढ़ाई चढ़ाना। तो एक पाउच मैंने निकाल लिया है, अब सेकंड टाइम इसमें मैं डाल रही हूँ। तो जो पकोड़े हैं वो मैंने आलू और प्याज के ही बनाए थे, क्योंकि बच्चे तो अभी जैसे मैं सोचूं कि और कुछ सब्जी वगैरह डाल दूँ या बैंगन के बनाऊँ तो वो तो खाते नहीं हैं। तो ये देखिए पकोड़े मैंने बना लिए हैं। हर कोई पकोड़े बनाना जानता है, इसकी कोई स्पेशल रेसिपी तो है नहीं। तो यहाँ देखो पकोड़े मैंने
एक बाउल में डाल दिए हैं और अब मैं देने जा रही हूँ नमन को। तो मान्या क्योंकि अभी थोड़ा क्लास लगा रही है, एक पीस मैंने बहुत टेस्टी बने हैं, अभी मैं देने जा रही हूँ ये बच्चों को और बाकी के पकोड़े भी निकालूंगी और फिर उसके बाद जो थोड़े और पकौड़े बचेंगे उसकी मैं बना लूंगी कड़ी। सो दोस्तों आप बने रहे वीडियो के ऊपर। सो यहाँ मैं नमन को देने आई तो हमारा झगड़ा हो गया और मैं खुद ही खाने लगी। तो दोस्तों अब मैं बनाने लगी हूँ कड़ी। तो जो थोड़ा सा बैटर मैंने पकोड़े के लिए बनाया था उसमें से थोड़ा सा पीछे से बेसन बच गया था, तो उसमें थोड़ा और ऐड बेसन करके दही मिक्स किया है। मैं थोड़ा इस तरीके से बनाती हूँ, पता नहीं आप लोग कैसे बनाते हैं, ज़रूर बताइएगा। तो बेसन में नमक मिर्च हल्दी डाल के दही डाल के मैं इसको अच्छे से फेंट लेती हूँ, और अच्छे से फेंटना है। और नमक थोड़ा सा मैंने और ऐड किया क्योंकि दही डाला था तो पहले वाला नमक जो है कम पड़ गया। और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा भुना हुआ जीरा। तो अब ये जो मेरा बैटर है वो तैयार हो गया है पतला वाला कड़ी के लिए। तो इधर मैंने काट लिए थे लहसुन, फिर मैंने इसी के साथ लिया थोड़ा सा अदरक, एक रेड चिली सूखी, एक बड़ी इलायची एंड थोड़े से मैंने लिए मेथी के दाने, हींग लिया मैंने थोड़ा सा, और प्याज काट लिया था एक प्याज, थोड़ा लंबा लंबा करके काटा था मैंने। तो ये सारी चीज़ें मैंने तड़के के लिए तैयार की, और वो तेल ठंडा हो गया था तो सबसे पहले मैंने हींग डाली, फिर रेड चिली पाउडर और बड़ी इलायची को थोड़ा खोल करके डाल दिया। तो जैसे ही जो मेथी के दाने हैं एकदम से ब्लैक हो गए, आप देख सकते हैं एकदम से ब्लैक करती हूँ, और इसमें मैंने कड़ी पत्ता डाला और बाकी अभी लहसुन प्याज वगैरह इसमें डाल दूँगी। जैसे ही ये थोड़ा सा अच्छा इनका कलर आ जाएगा, ब्राउन सा हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन, तो इसमें मैं जो बैटर तैयार की थी वो इसमें मैं ऐड करूँगी। तो हल्दी डाल दी है थोड़ी सी और। तो देखिए मसाला भून करके तैयार हो गया है, उसने तेल छोड़ दिया है, और अब ये मैंने डाल दिया है बेसन दही का बैटर। सो दोस्तों इसको मैं लो मीडियम आंच पर पकाऊंगी कम से कम 20 से 25 मिनट, ताकि जो हमारा बेसन है वो अच्छे से इसमें पक जाए। तो जैसे ही ये पक जाएगा तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कि आपने इसको कितना पतला रखना है। तो 20-25 मिनट हो गए इसको भूनते हुए, तो अब मैंने इसमें पानी ऐड किया है और इसको अच्छे से मिला लेना है, इसके जो लम्स वगैरह वो नहीं बनने चाहिए। तो अच्छे से घुल भी जाता है जब आपका अच्छे से बेसन पक जाता है, तो बहुत अच्छे से घुल जाता है, लम्स नहीं बनते हैं इसमें। तो देखिए ये बेसन का जो अभी थोड़ा सा बैटर था वो पतला हो गया है, अच्छा लग रहा है इसका कलर वगैरह। थोड़ा सा इसमें मैं डालूंगी देगी लाल मिर्च, इसमें हल्का सा कलर आ जाएगा थोड़ा सा और अच्छा। अब मैं इसको थोड़ा सा बॉयल्ड होने दूंगी, जैसे ही इसमें 2 से 3 बॉयल आएंगे तो जो मैंने पकोड़े बनाए हैं वो मैं इसमें ऐड करूंगी। तो दोस्तों अभी जैसे रख दिया है तो देखिए इसमें बॉयल आना शुरू हो गया था, तो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं पकोड़े। फिर इसको मैं थोड़ा पकाऊंगी, और हम लोग जैसे पंजाबी हैं दोस्तों तो बिना देसी घी के मेरी कोई सब्जी जो है ना वो कंप्लीट नहीं होती है। तो इसमें 1 चम्मच मैंने देसी घी डाला है घर का बना हुआ, और फिर ढक कर के इसको 5 to 10 मिनट्स धीमी आंच पे पकाया, और लास्ट में मैंने इसमें डाली है ब्लैक पेपर, और फिर इसको 5 to 10 मिनट मीडियम आँच पर पकाया। और देखिए अभी हमारी जो कड़ी है बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। तो धनिया पत्ता मेरे पास नहीं था तो मैं नहीं डाल पाई। सो दोस्तों कड़ी हमारी बनके तैयार है, और अब मैं इसको राइस के साथ सर्व करूंगी। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए।